हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चटाको बाय हर्षा। आज मैं बना रही हूँ पनीर प्याज पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेके उसमें डालेंगे तेल। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितना तेल लिया है, और तेल गरम होते ही उसमें हम डालेंगे जीरा और हींग, अदरक और मिर्च जो मैंने फाइनली चॉप करके रखे थे, और प्याज एक बड़ा वाला जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो प्याज को सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे, और सॉफ्ट होने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बाद में हम उसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो अब हम उसमें डालने जा रहे हैं मसाले, पर अभी तक प्याज हमारा पका नहीं है। तो अब उसमें हम डालेंगे 1/8 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया और जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और ये सारे मसालों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ। उनको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मसाले जल जाएंगे। और गैस बंद करके हमने उसमें मिलाया नमक, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार और शक्कर भी स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक 1/2 टीस्पून और शक्कर 1 टीस्पून जितना लिया है। अब मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बाद में हम उसमें उबले हुए आलू और पनीर जो दोनों मैंने कद्दूकस करके रखा था वो ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे मेरा गैस नीचे से बंद है, तो उसको अच्छे से मिलाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। आप अगर नींबू नहीं डालना चाहते तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब मसाला ठंडा हो जाए, बाद में हम उसमें थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने काट के और धो के रखा था वो ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से मिक्स करके उसके हम स्टफिंग के बॉल्स बना लेंगे, ताकि पराठे बेलने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट स्टफिंग भी पराठे में स्टफ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे में तेल और नमक डाल के आटा गूंथ के रखा था, उससे मैं एक मोटी वाली रोटी बेल लूँगी, और उसके बीच में स्टफिंग का जो मैंने बॉल बना के रखा था वो रख के उसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा कवर करने के बाद उसको हम निकाल लेंगे, और फिर अच्छे से उसका पेड़ा बना के उसको चावल के सूखे आटे में थोड़ा सा लगा के फिर से अच्छे से पराठा बेल लेंगे। हमारे यहाँ पे थोड़ा मीडियम थिक पराठा खाते हैं, तो हम लोग वैसे ही बनाते हैं। कोई लोग ज़्यादा थिक भी खाते हैं तो वो ऐसा भी बना सकते हैं। अब पराठे को हम गरम तवी पे सेक लेंगे, उसको दोनों साइड पे थोड़ा हल्का सा सेक के फिर पलट के उस पर घी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं घी के साथ सेक रही हूँ पराठे, मुझे वो घी में अच्छे लगते हैं। आप तेल या बटर के साथ भी सेक सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे, और हाँ, ये मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब पराठा पूरी तरह से अच्छे से सिक जाए, बाद में उसको गर्मा गर्म हम दही के साथ
सर्व करेंगे। तो दही में मैंने जीरा और लाल मिर्च डाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।